हेलो दोस्तों, फन लॉजिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से लेकर आए हैं कुछ मजेदार और लॉजिकल पहेलियाँ। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इन इमोजीज को देखिए, इनमें से एक इमोजी अलग है। क्या आप उस ऑड इमोजी को पहचान सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका आंसर है यह। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो कमेंट में लिखिए। अब अगली पहेली में। दोस्तों, इस पहेली में कई रैंडम लेटर्स दिए गए हैं। इनमें तीन पक्षी यानी बर्ड्स के नाम से मैच होने वाले वर्ड्स है। आपको इन वर्ड्स को ढूंढना होगा। दोस्तों, जल्दी से पता लगा के आपका आंसर कमेंट करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, यह तीन वर्ड्स है, ईगल, पैरट और पीकॉक। चलिए अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, यह एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन, जो फोटो आप देख रहे हैं, इन फोटोज किस वॉल्केनो की है और यह वॉल्केनो कहाँ पर है? दोस्तों, यह वॉल्केनो का नाम है बैरन आइलैंड वॉल्केनो। यह वॉल्केनो भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। यह वॉल्केनो बहुत एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब लास्ट ईयर नवंबर 4th और नवंबर 10th के बीच में इसका एरप्शन हुआ। इस जगह को विजिट करना बैंड है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से यह 138 किलोमीटर दूर में है। दोस्तों, इस मैथ पजल को देखिए। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके सर्किल, ट्रायंगल और स्क्वायर का आंसर बताना होगा। अगर आपको आंसर पता चला तो उसको कमेंट में लिखिए। इसका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, सर्किल, ट्रायंगल और स्क्वायर का आंसर हुआ 4, 3 और 2। चलिए अब अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, इन दोनों पिक्चर्स में 5 अंतर है। क्या आप गौर से देखकर उनको पता लगा सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, यह है वो 5 अंतर। अब अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, अगली पहेली में जाने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फन लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझको और कई वीडियोस बनाने का बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए अब अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, यही एक मैथस्टिक्स पजल है। इसमें एक सिंपल इक्वेशन दिया गया है और यह इक्वेशन गलत है। आपको एक मैथस्टिक मूव करके इक्वेशन को सही करना पड़ेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको कुछ ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। दोस्तों, इसका आंसर है ऐसे मैस्टिक्स को मूव करना। चलिए अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों, यह एक नंबर टेबल दिया गया है। इसको देखकर सिंपल कैलकुलेशन करके उस क्वेश्चन मार्क के सेल पर क्या आना चाहिए उसका जवाब दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका आंसर हुआ 6।
इसको सॉल्व करने का मेथड राइट साइड में आप देख सकते हैं। टेबल के कैलकुलेशन इस प्रकार कर सकते हैं, 2 × 2 + 6 = 10, 3 × 2 + 12 = 18, 4 × 2 + 6 = 14। तो इसका आंसर हुआ 6। दोस्तों इसमें एक ऑड अक्षर है, उसको फाइंड आउट करना होगा आपको। चलिए दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है यह। अब अगली पहेली की ओर चलते हैं। दोस्तों यह पहेली पजल पीसेस को जोड़ने का है। यह इमेज एक आउल का है। 3 पजल पीसेस को राइट साइड में दिए गए हैं, उनको लेफ्ट साइड में ठीक जगह पर रखना होगा। तो कौन सी पजल पीस किस जगह में आएगा उसको पता लगाना होगा आपको। इसका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है 1A 2B 3C। चलिए अगली पहेली में चलते हैं। दोस्तों यह एक नंबर सीक्वेंस दिया गया है। आप इन नंबर्स को देखकर चौथी प्लेस में जो क्वेश्चन मार्क है वह ठीक से आने वाली नंबर को फिल करिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है 28। इस सीक्वेंस के अगला नंबर इस नंबर से पहले नंबर को 5 से शुरू होकर हर अगले नंबर को 4 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 15 = 6 + 9, 45 = 28 + 17। तो इसका आंसर हुआ 28। दोस्तों लेफ्ट साइड में एक फैमिली की पिक्चर है, इनकी करेक्ट शैडो राइट साइड के 4 ऑप्शंस में से ढूंढना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है यह। अगर आप सही ऑप्शन चुन लिया तो कमेंट करिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कई पजल्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।